दिल्ली पुलिस ने 37 साल के एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2017 में करोल बाग इलाके के एक ज्वेलर के घर में डकैती की थी। आरोपी को 2020 में पैरोल पर 7 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन तब से ही वह फरार चल रहा था। आरोपी की पहचान नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। आरोपी का छोटा भाई पहले से ही पड़ोस में हुए झगड़े और मर्डर के मामले में फरीदाबाद जेल में बंद है। ऐसे दिया वारदात को अंजाम। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक 26 जुलाई 2017 को दोपहर तकरीबन 1:45 बजे करोल बाग इलाके में एक घर में दिन दहाड़े डकैती हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह एक गृहिणी है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पर रहती है। उनके पति और ससुर की चांदनी चौक में ज्वेलरी की दुकान है। जिस वक्त यह घटना घटी थी, वो अपने बेटे और सास के साथ घर पर मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।